नमस्कार, मैं अजय कुमार, प्रभात खबर की चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हम चर्चा करेंगे कि कैसे लोकसभा चुनाव की गति जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे कई रोचक तथ्य और रोचक प्रसंग सामने निकल कर आ रहे हैं। हम बात करना चाहते हैं सिवान लोकसभा सीट को लेकर, जहां से राजद ने अभी तक अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की थी। ऐसा कहा जाता है कि हेना साहब, जो पूर्व सांसद और साहब सिवान के एक बाहुबली चेहरा मोहम्मद साहबुद्दीन की पत्नी, को राजद की ओर से अप्रोच किया जा रहा है, उनसे संपर्क किया गया है कि वहां से वह उन्हें उम्मीदवार बनाएगा। और इसके लिए आज गुरुवार को दोपहर 2 बजे वह पटना आने वाली भी थी, जैसा कि राजनीतिक हलकों में चर्चा थी, पर वह नहीं आई। हमारे सिवान संवाददाता ने उनसे संपर्क किया और जानना चाहा कि क्या वह चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो उन्होंने इस पर कहा कि हाँ, वो चुनाव लड़ेंगी और निर्दलीय के रूप में लड़ेंगी। दूसरा प्रसंग, सच्चिदानंद राय, जो सारण स्थानीय निकाय से विधान परिषद में जो निर्वाचित हुए हैं पिछले दिनों, उन्होंने आज घोषणा की कि वह महाराजगंज सीट से निर्दलीय के तौर पर चुनाव में खड़े हो रहे हैं। जमुई से ये सूचना है कि वहां रामविलास पासवान जी, दिवंगत रामविलास पासवान जी के दामाद साधु पासवान जी ने अपने ही परिवार के जो वहां कैंडिडेट हैं अरुण भारती, उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और आज वहां तेजस्वी यादव की सभा में उन्होंने मंच साझा की और मंच से ही ऐलान किया कि आप यहां अरुण भारती जी को पराजित करने की दिशा में वोट दें। चौथी घटना अश्विनी चौबे जी को लेकर है, केंद्रीय मंत्री, बक्सर से सांसद, और जैसा कि आपको पता है, वहां से भाजपा ने इस बार श्री चौबे की जगह मिथिलेश तिवारी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। लेकिन इस मामले में ट्विस्ट तब आया जब चौबे जी ने कहा कि वह वहां से अपनी उम्मीदवारी को अभी भी वह मानते हैं कि चुनाव में वो खड़ा होने जा रहे हैं। इन सभी प्रसंगों पर, चुनाव के दौरान निकलने वाले इन प्रसंगों पर हम चर्चा करेंगे अपने राजनीतिक संवाददाता मिथिलेश कुमार जी से। इसके क्या मायने हैं, चुनाव में ये कहां तक प्रभावित करेंगे, और जो घटनाएं घट रही हैं, तो हम बात करते हैं। हमारे साथ हैं मिथिलेश कुमार जी। मिथिलेश जी जी, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। हेना साहब जी ने ये कहा है कि वह निर्दलीय लड़ेंगी, लेकिन इसके पहले आज घटनाक्रम ये रहा कि दोपहर 2 बजे उनको पटना आना था और राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद जी से उनकी मुलाकात होनी थी। उनके नहीं आने की वजह, और आप किस रूप में इसको देखते हैं? देखिए, जैसे जैसे चुनाव का दिन आगे बढ़ते जा रहा है, बड़ा रोचक मुकाबला की ओर हम बढ़ रहे हैं। बिहार का चुनाव जो है, पहले भी देश और दुनिया में चर्चित रहा है, इस बार और भी गतिविधियां एकदम दिलचस्प होती जा रही है। हेना साहब इससे पहले 2014 और 2019 में राजद की उम्मीदवार रही थी, लेकिन सिवान से, लेकिन दोनों ही चुनावों में उनको जीत नहीं मिल पाई। इस बार राजद ने उम्मीदवार बदलने की, एक जो राजद में दो तबका चल रहा है, एक खेमा का कहना था कि हम हेना साहब को, हम लोग को साथ लेकर चलना चाहिए, जबकि दूसरा तबका का है कि हम उम्मीदवार बदल कर भी पार्टी देख सकती है। तो हेना साहब का इंतजार हो रहा है पार्टी में। लालू जी दोपहर 2 बजे तक इंतजार करते रहे, खबर आई कि हेना साहब अपने समर्थकों के साथ आने वाली हैं, लेकिन हेना साहब का जहां यहां इंतजार हो रहा था, वहां हेना साहब अपने गांव जो प्रतापपुर है सिवान जिले का, वहां ईद के अवसर पर लोगों से मिलते जुलते रहे। और जब प्रभात खबर के संवाददाता ने उनसे पूछा कि आपका तो इंतजार हो रहा है, तो उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि मैं राजनेता नहीं हूं जो अपनी जुबान को बदलती रहूं। मैंने एक बार नहीं, बार बार कह दिया कि मैं निर्दल लड़ूंगी और निर्दल ही लड़ूंगी। तो ये अब तय है कि अब हेना साहब राजद के खाते में शायद नहीं आ पाए, और राजद को वहां अपना दूसरा उम्मीदवार, जो कि हवा में है या चर्चा में है, अवध बिहारी चौधरी, उनके नाम पे मुहर लगा सकता है राजद।
ये तस्वीर बनती दिख रही तो है। तो हिना साहब के राजद के खेमे से अलग होने का क्या असर पड़ सकता है सिवान और उस पूरे इलाके में जो गोपालगंज है या छपरा सारण की सीट है, क्योंकि शहाबुद्दीन जब थे जीवित थे और वो राजद के साथ लगातार उनका एक राजद के वो चेहरा थे। शहाबुद्दीन कई बार सांसद रहे, से पहले विधायक भी रहे, वो राजद के एक चेहरा थे, मुस्लिम फेस थे वो, और उनके नहीं रहने पर वो उनकी विरासत हिना साहब संभाल रही है। लेकिन हिना साहब के नहीं रहने से राजद को पॉलिटिकली नुकसान तो दिखता है, क्योंकि एक दूसरा मुस्लिम चेहरा उनको एक निकालना होगा, उभारना होगा, और एक मैसेज ये जा सकता है या राजनीतिक दलों में जो राजद के विरोधी पार्टियां हैं उनको एक मैसेज दे सकती है कि आप शहाबुद्दीन की विधवा, उनके साथ भी पार्टी ने न्याय नहीं किया। तो एक ये खतरा है राजद के पास। लेकिन राजद में एक दूसरा भी है, दूसरा ये पक्ष है कि उनके पास और भी मुस्लिम लीडर्स हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी हैं, कई चेहरे ऐसे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर वो या राज्य के स्तर पर मुस्लिम फेस बन सकते हैं। तो ये एक खतरा तो है, तो उसकी भरपाई राजद अब कैसे करेगा वो। लेकिन सिवान की सीट को लेकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं मिथिलेश जी, वहाँ एनडीए की ओर से बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दिया था पिछले के चुनाव में जी जी, लेकिन इस बार वो सीट चली गई जदयू में। तो अब भाजपा और जदयू के बीच वो बदलने से, वो सीट बदल जाने से, पहले भाजपा के उम्मीदवार थे अभी जदयू के हैं इस चुनाव में, तो इसका क्या असर पड़ सकता है? सिवान का जो टोपोग्राफी है या वहाँ जो जातीय समीकरण है, गोलबंदी है, वो यादव और मुस्लिम दो बड़ी जातियाँ हैं वहाँ जो कभी साथ रही, ऊपर से तो साथ राजद के माई समीकरण का वो पार्ट है, लेकिन अब जमीनी हकीकत आप जानेंगे तो वहाँ पे दोनों में विरोधाभास भी है कई जगहों पे, कई गांवों में, कई विधानसभा क्षेत्रों में। दूसरा जो है वहाँ कुशवाहा एक बड़ी बिरादरी है जो जिसके भी अच्छे वोट हैं। तो 2014 के चुनाव में हम देखते हैं कि ओम प्रकाश यादव भाजपा के उम्मीदवार बने और वो चुनाव जीते भी, तो वहाँ उस समय भी उस समय में जदयू अलग थी 2014 के चुनाव में, लेकिन भाजपा ओम प्रकाश यादव को जीत मिली। 2019 के चुनाव में हम देखते हैं कि वो सीट आ गई जदयू के पास, बीजेपी और जदयू का टाइप हुआ एनडीए में, फिर जदयू वापस लौट के आया और वो सीट मिली जदयू को। कविता सिंह पहली बार वहाँ पे जो विधायक थी उनको पहली बार उम्मीदवार बनाया गया, जदयू ने बनाया और वो भारी मतों से जीती भी। इस बार जदयू ने उम्मीदवार बदला है और कुशवाहा बिरादरी के जो विजया लक्ष्मी कुशवाहा है, उनके पति रमेश कुशवाहा पूर्व विधायक भी रह चुके हैं, उनको टिकट दिया है। तो वहाँ एक लड़ाई जो है सामाजिक समीकरण के हिसाब से देखें तो जो बीजेपी या एनडीए का जो वोट बैंक है या जो जनाधार है उसमें ये विजया लक्ष्मी कुशवाहा का एक प्लस बनता है, एक वोट उनका ऐड करेगा, तो वो उनका वो अपने को एक सकारात्मक रूप से एनडीए देख रहा है इस उम्मीदवारी को। अगर सिवान में हेना साहब आती हैं तो वहाँ मुकाबला दो महिलाओं के बीच होगा, इसी तरह से जैसे शिवहर में हो रहा है। शिवहर में हो रहा है जी जी, लवली आनंद और रितु जायसवाल। हम आगे बढ़ते हैं मिथिलेश जी, और ये एक आज घटनाक्रम तेजी से बदला और उसमें सच्चिदानंद राय ने यह घोषणा की कि वह महाराजगंज से चुनाव लड़ेंगे। सच्चिदानंद राय विधान परिषद के सदस्य हैं और उनके अब चुनाव मैदान में आने की घोषणा से, या अगर अपनी उम्मीदवारी वह देते हैं, क्या कुछ असर पड़ सकता है? सच्चिदानंद राय एक तो विधान परिषद के वो सदस्य हैं, लोकल बॉडी जो स्थानीय प्राधिकार की सीटें होती है उनसे चुन के आए हैं। इससे पहले वो जदयू में भी थे और भाजपा से भी निकट उनका संबंध रहा है। वो IIT खड़गपुर के ग्रेजुएट हैं और कई सारी उनकी कंपनियां हैं। सिवान से और छपरा के बीच में महाराजगंज की एक सीट है, उस सीट पे उन्होंने आज दावा किया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले जो सूत्र हमारे संपर्क के लोग बताते हैं कि वो उनकी कोशिश महाराजगंज महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई है सीट, तो उन्होंने कांग्रेस से भी ट्राई किया होगा ऐसी सूचना है। लेकिन कांग्रेस से या कहीं से जब वो बात नहीं बनी तो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके निर्दलीय चुनाव लड़ने की घोषणा की है। महाराजगंज की सीट पिछले 2-3 चुनावों से हम देख रहे हैं कि वो भाजपा के पास है। जनार्दन सिंह सिगड़ीवाल 2014 में भी जीते और 19 में भी जीते। 2014 की बात करें तो वहाँ राजद ने रणधीर सिंह को उम्मीदवार बनाया था,
2019 में, 14 में उनके पिता थे प्रभुनाथ सिंह, वो राजद से उम्मीदवार बने थे, और 2019 में साधु यादव भी चुनाव वहां लड़े। तो वहां त्रिकोणात्मक संघर्ष बनाने की कोशिश करते हैं लेकिन ऐसा बन नहीं पाया, बहुत ही मार्जिन बूट रहा, मुकाबला आमने सामने का ही रहा। तो इस बार सच्चिदानंद राय क्या कोशिश कर पाते हैं, वोट उनको कितना मिल पाता है, ये अब देखने की बात है। एक और दिलचस्प वाकया ये हुआ कि जमुई लोकसभा क्षेत्र में खैरा में आज मीटिंग थी तेजस्वी यादव की, और उस मंच पर साधु पासवान ने खुलेआम यह घोषणा की कि चिराग पासवान जी के जो की पार्टी के जो उम्मीदवार हैं अरुण भारती जी, उनके बदले आप राजद के कैंडिडेट को विजयी बनाए। तो परिवार की यहाँ जो लड़ाई है, साधु पासवान जी और चिराग पासवान जी की जो लड़ाई है, ये अब सार्वजनिक तौर पर मंचों के जरिए सामने आ रही है जी, बिल्कुल। तो क्या ये सब चीजें चुनाव में प्रभावित करती हैं वोटरों को? नहीं, मैंने बताया कि जो दिलचस्प दौर में है तो वो एक राजनीति में विरासत की भी बात होती है। रामविलास पासवान की विरासत कौन संभालेंगे, अब उनके तीन दामाद हैं, दो पहले रामविलास पासवान की दर्शकों को मालूम है, हम जानते हैं, हम लोग सब कोई, कि उनकी दो शादियां हुई, पहले ही जो शादी हुई उनसे उनके दो दामाद हैं। तो साधु पासवान पहले पत्नी के ही दामाद हैं वो, और वो राजद में, शुरू से राजद में, उनका नाता रिश्ता राजनीतिक रूप से हो या वो चिराग पासवान से, चुनाव भी लड़ चुके हैं, जी बिल्कुल बिल्कुल, और उनका नाता रिश्ता राजनीतिक रूप से चिराग पासवान से अलग रहा है। तो आज जमुई में जो सभा हुई, जमुई में आपको पता होगा कि चिराग पासवान ने अपने दूसरे बहन हुई, जो अपने सगे बहन हुई है, अरुण भारती, उनको उम्मीदवार बनाया है, और साधु पासवान की जो राजनीतिक पक्षता है वो आरजेडी के उम्मीदवार के साथ है, अर्चना रविदास के साथ है। तो उन्होंने खुलकर कहा कि भाई हम तो बहनोई हैं असली वाले, और ये जो बहनोई हैं ऑस्ट्रेलिया वाले, और एक फिल्मी गाना भी उन्होंने सुनाया कि परदेशियों से ना अखियां मिलाना। तो इस दौर में जनता को लुभाने का, अपनी बात रखने का एक नया, एक लोगों का मुकाबला रोचक एक दृश्य भी बन रहा है, लोग भी आनंद ले रहे हैं इन सब चीजों का चुनाव मैदान में। जी बिल्कुल। जो ये आगे बढ़ते हैं मिथिलेश जी, और अश्विनी चौबे जी पर हम लोग बात करना चाहते हैं, बक्सर लोकसभा की सीट से, जहां से ये सांसद भी हैं और केंद्र में मंत्री भी। तो इनका एक वीडियो भी वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी तो उम्मीदवारी मेरी बाकी है और नामांकन की तारीख भी अभी काफी आगे है, अभी आगे है। तो ऐसे में आपको यह नहीं समझना चाहिए कि हम वहां से उम्मीदवार नहीं है, जबकि भाजपा ने अपने उम्मीदवार को घोषित कर दिया है, मिथिलेश तिवारी गोपालगंज के रहने वाले, तो उनको अपना उम्मीदवार बनाया है। तो क्या अश्विनी चौबे जी को अभी भी लगता है कि हम वहां उम्मीदवार, अपनी दावेदारी या उम्मीदवारी हो सकती है? ऐसा राजनीति संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। नामांकन अभी देरी है, 1 जून को चुनाव होना है, उसी आसपास में वहाँ नामांकन की जो हमारे पास जो सूचना है वो 7 मई से वहाँ नामांकन होना है। तो अभी टाइम है। अभी अश्विनी चौबे भागलपुर के रहने वाले हैं, 2014 में भाजपा ने एक नया प्रयोग किया और वहाँ उनको उम्मीदवार बनाया, वो भारी मतों से जीते भी, राजद के जगदानंद सिंह को उन्होंने पराजित किया। 2019 के चुनाव में भी वो उम्मीदवार बने, जीते, केंद्र में मंत्री बने। इस बार पार्टी ने एक युवा चेहरा मिथिलेश तिवारी को वहां से उम्मीदवार बनाया है। तो नाराजगी आप कह सकते हैं, अभी 3 दिन पहले वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आवास, जो उनका कदमकुआं में पटना में है, वहां गए और वहां पे उन्होंने अपनी दुख पीड़ा व्यक्त की, जो आज वायरल हो रहा है कि वो, मैं अभी प्रभात खबर या हम लोग उस वायरल की पुष्टि नहीं करते हम, लेकिन जो वायरल हो रहा है उसमें उन्होंने कहा है कि अभी नामांकन बहुत लंबा है, अभी समय है, और बक्सर में मैं ही हूँ, बक्सर में मैं ही हूँ। तो इसका राजनीतिक किसी वो सोच के या किस उम्मीद से वो कह रहे हैं, वो अश्विनी चौबे खुद क्लियर कर सकते हैं। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कि एक बार जब फैसला हो गया पार्टी की चुनाव कमेटी ने, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की अध्यक्षता में जब फैसला हो गया, तो उम्मीद कम ही दिखती है। लेकिन किसी उम्मीद से ही अश्विनी चौबे कह रहे हैं, और इससे पार्टी की जो एक भीतर लोकतांत्रिक
प्रक्रिया होने की बात कही जाती है वो ऐसा दिखता, मतलब वो उसके परे है कि एक ओर जब पार्टी ने घोषणा कर दी उम्मीदवार की तो फिर चौबे जी वो कह रहे हैं, तो एक मैसेज एक गलत या पब्लिक में या मतदाताओं में एक भ्रम सी स्थिति है जा सकती है जी। मिथिलेश जी, यहाँ प्रधानमंत्री का दौरा हो चुका, जो फर्स्ट फेज में इलेक्शन जहाँ होना है जी वहाँ प्रधानमंत्री आ चुके हैं, नीतीश जी की सभा हो चुकी है, लेकिन इंडिया की ओर से अभी तक कोई बड़ा चेहरा या इंडिया में सबसे बड़े दल कांग्रेस की ओर से कोई बड़ा चेहरा अब तक बिहार नहीं आ पाया है, तो इस मोर्चे पर क्या कांग्रेस ने पूरी तरह से मान लिया है कि वहाँ बिहार में जो कुछ भी होगा वो हमारे गठबंधन के जो दूसरे घटक दल के नेता हैं वही करेंगे, या आने वाले भी हैं कोई बड़े नेता? जी सही है, कमोबेश स्थिति तो ऐसी ही है। अब बिहार में महागठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी राजद है, तो राजद के नेताओं का या पॉलिटिकल थिंक टैंक जो है उनके, उनकी ऐसी मंशा होती है या रही होगी कि कांग्रेस बिहार में लीड करे तो राजद लीड करे, और पहले चरण में जो सीटें हैं वो उसमें कांग्रेस की एक भी सीट नहीं है, राजद की सीटें हैं। दूसरे चरण में 3 सीटें भागलपुर, कटिहार और किशनगंज, ये कांग्रेस की सीटें हैं। तो अभी हमारे जो संपर्क सूत्र बता रहे हैं कि राहुल गांधी के आने की कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जा रहा है और 19-20 को वो किशनगंज, कटिहार और भागलपुर में सभा करेंगे, माने दो दिन। अच्छा, तो उनका ये कार्यक्रम है, लेकिन ये तय है कि कांग्रेस यहाँ लीडरशिप की भूमिका में नहीं रहेगी। लीडरशिप चाहे साझा चुनाव प्रचार का हो चाहे कैंडिडेटचर का हो, वो राजद के ही हाथ में रहेगा और राजद के भरोसे ही कांग्रेस को ऐसा दिख रहा है कि वो चलना पड़ेगा आने वाले चरण में भी। तो मिथिलेश जी, हम लोग जैसे धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं, फर्स्ट फेज और सेकेंड फेज में चुनाव की जो प्रक्रिया है नामांकन दाखिल करने की और नाम वापसी वगैरह की, वो तो हो गई है, अब थर्ड फेज में हम लोग जी प्रवेश कर रहे हैं, तो उन सीटों के बारे में और उसके विस्तृत नॉमिनेशन वगैरह कब से है इसके बारे में भी हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जी सही कहा आपने, तीसरा फेज जो है वो 7 मई को चुनाव होना है और 5 सीटें हैं उसमें, एक झंझारपुर मिथिलांचल का, झंझारपुर, सुपौल, अररिया, मधेपुरा और खगड़िया। तो इसमें एनडीए ने भी अपनी सीटें क्लियर कर दी है और जो झंझारपुर का सीट है महागठबंधन में वो सीट गया है वीआईपी को, तो झंझारपुर की सीट पे अभी उम्मीदवार तय नहीं हुआ है। जहां तक एनडीए की बात है तो झंझारपुर में राज जदयू का वो सिटिंग सीट है और रामप्रीत मंडल वहां से मौजूदा उम्मीदवार भी हैं और सांसद भी हैं। सुपौल में हम देखें तो दिलेश्वर कामत जदयू के जो सांसद हैं वही उम्मीदवार भी हैं और मौजूदा सांसद भी हैं। अररिया भाजपा की सीट है, वहां से प्रदीप सिंह सांसद भी हैं और उम्मीदवार भी हैं। मधेपुरा से दिनेश चंद्र यादव जदयू के सांसद भी हैं और उम्मीदवार भी हैं। खगड़िया की जो सीट है उसमें लोजपा रामविलास ने इस बार एक राजेश वर्मा नया प्रयोग किया है, उसने नया उम्मीदवार दिया है राजेश वर्मा को, ये भागलपुर के कारोबारी हैं, वो उम्मीदवार हैं। उनके बनिस्पत, उनके मुकाबले हम देखें महागठबंधन में तो सुपौल में वो राजद की सीटें हैं, वहां से चंद्रहास चौपाल जो सिंहेश्वर स्थान के राजद के विधायक हैं, अति पिछड़ा चेहरा है, उनको उम्मीदवार बनाया गया है। अररिया से राजद ने शाहनवाज आलम को अपना उम्मीदवार बनाया है, वो शाहनवाज आलम पूर्व मंत्री हैं और पूर्व केंद्रीय मंत्री तस्लीमुद्दीन के बेटे भी हैं। हम मधेपुरा की बात करें तो वहाँ पूर्व सांसद हैं रविंद्र कुमार रवि थे, उनके बेटे हैं चंद्रदीप, उनको उम्मीदवार राजद ने बनाया है। और खगड़िया की सीट जो है वो माकपा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी CPM को दी गई है, संजय कुमार वहां से प्रत्याशी है। तो कमोबेश झंझारपुर की सीट को अगर किनारे किया जाए तो इन 4 सीटों पे आमने सामने का मुकाबला होता दिखता है और वीआईपी के कैंडिडेट की घोषणा होनी है जी। और ये बता दें कि 12 अप्रैल से यानी कल से नामांकन का काम ये 5 सीटों के लिए शुरू हो जाएगा और 19 अप्रैल तक नामांकन होगा, ये स्थिति है। बहुत धन्यवाद मिथिलेश जी। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे प्रभात खबर की चुनावी चर्चा में, हम लोगों ने बातचीत की राजनीतिक घटनाक्रम और रोचक प्रसंगों को लेकर। हम फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ मसलों मुद्दों को लेकर, राजनीतिक प्रसंगों को लेकर। हमें दीजिए इजाजत, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नहीं।